अगर आपको मेरे चैनल पे वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियोस की मिलती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार होममेड पिज़्ज़ा सॉस। बहुत ही ईजी रेसिपी है, ज़रूर नोट करें, वीडियोज़ को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलें इसके इन्ग्रीडियंट्स को नोट करते हैं। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पे टमाटर, 3 टमाटर लिए हैं जिन्हें मैंने बड़ा बीच से हाफ कर लिया है। 1 दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, उसे चॉप कर लिया है। साथ ही 3 गार्लिक के क्लोव्स लिए हैं, उन्हें चॉप कर लिया है। 1/2 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च ली है, साथ ही 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1 चाय का चम्मच लिया है यहाँ पर मैंने ऑरिगैनो, साथ ही 1/2 चाय का चम्मच शक्कर और 1/2 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे। तो आइए चलते हैं इसे तैयार करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लिया है, आप कोई भी सॉस पैन ले लें या फ्राई पैन ले लें। इसमें मैंने तकरीबन 1/4 कप ऑयल शामिल कर दिया, यानी कि 3 खाने के चम्मच ऑयल शामिल कर दिया। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है लहसुन, जो कि बारीक चॉप किया हुआ था, जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए। इसको बिल्कुल लाइट सा हमें फ्राई करना है, हल्का गोल्डन कलर आ गया है तो इसमें शामिल कर दी है 1 दरमियानी प्याज जिसे बारीक चॉप कर लिया था। इसे हमें तकरीबन ट्रांसलूसेंट कलर में फ्राई करना है, जब तक ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं प्याज अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है, ट्रांसलूसेंट कलर आ चुका है। तो इस तरह इसमें बीच से स्लाइस किए हुए 3 टमाटर दरमियाने साइज़ की टमाटर हैं जिन्हें मैंने इसको इस तरह पेस्ट कर दिया और इसमें शामिल कर दिया है ऑरिगैनो, 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च शामिल की, 1/2 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च शामिल की है। साथ ही इसके शामिल कर दिया है 1/2 चाय का चम्मच नमक और 1/2 चाय का चम्मच शुगर यानी चीनी। अब इसको अच्छी तरह सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे टमाटर में। टमाटर को स्लाइस या चॉप नहीं करना, इसी तरह इसको डन करना है और इसका छिलका यहाँ से हम पील कर लेंगे थोड़ी देर ढकने के बाद। अब इस तरह अच्छी तरह इसको मिक्स करें। ज़रूर बनाएं घर पे ये पिज़्ज़ा सॉस, बना के आप इसे तकरीबन 2 हफ्तों के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं एयरटाइट जार में या बॉटल में, ग्लास की या किसी भी एयरटाइट कंटेनर में। ये बहुत इजी रहता है, कभी भी आप निकालें और पिज़्ज़ा इसे बना सकते हैं। साथ ही ये एक और इंग्रेडिएंट है, यहाँ पे मैंने लिया है 3 खाने के चम्मच भर के केचप के, और केचप इसमें अच्छा सा एक फ्लेवर, एक ग्लेस, एक अच्छी सी इसमें कलर देगा, टेस्ट देगा, तो ये ज़रूर शामिल करना है। और इसे तकरीबन मैंने थोड़ी देर मिक्स करने के बाद इसे ढक के रख दिया है ताकि टमाटरों का छिलका निकल जाए। अब तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद इसको मैं अच्छी तरह चला लूँगी। इसको मीडियम फ्लेम पे हम पका रहे हैं, आप स्लो टू मीडियम फ्लेम पे रख के इसको पका सकते हैं। और इस तरह से ईजीली आप यहाँ देख सकते हैं मैं इसके छिलकों को रिमूव कर रही हूँ, ये पील हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे पैन को ढकने के बाद। टमाटर के छिलकों को अच्छी तरह रिमूव करने के बाद इसे मैंने इस तरह स्पैचुला के ज़रिए इसे तोड़ लिया है, मैश कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आप थोड़ी देर और रख दें तो और अच्छे मैश हो जाएंगे और ये एक पेस्ट की फॉर्म में तैयार हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार ये सॉस रेडी है। थोड़ी देर हम इसको 2 मिनट और पकाएंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए और इसे डिश आउट करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं ये पिज़्ज़ा सॉस बहुत ही मज़ेदार है। हर किस्म के पिज़्ज़ा पर आप इसे स्प्रेड कर सकते हैं, इवन चिकन ब्रेड पर आप लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ में। आपको बच्चों का टिफ़िन बॉक्स बनाना है, मिनी पिज़्ज़ाज बनाना है तो ज़रूर ये सॉस बनाएं और इसे फ्रीज कर सकते हैं 2 हफ्तों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब बगैर नहीं जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।